दोस्तों, मैं हूँ रिमझिम और मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मुकेश यादव जी की इंटरव्यू, जो कि शिकोई है में कोयता बने थे और थिएटर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर रह चुके। तो चलिए जानते हैं उनसे शिकोई की शुरुआत की सफर। तो हम लोगों का पहला सवाल ये है, आपने कोई है का सफर कैसे शुरू किया? दरअसल ये बहुत ही एक रोचक बात है। मेरे एक मित्र हैं, मित्र कहने से अच्छा वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, महीम नाम है उनका। तो महीम कोई है मैं असिस्टेंट थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे और फिर उसके बाद वो क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए। तो जब उनका एक एपिसोड था जिसमें मामिक था, वो घोस्ट बस्टर जैसा एक रोल था उनका, और उन्हें एक डाकू की जरूरत थी जंगल में, जो एक डाकू रहता है वो। तो महीम ने मतलब तब मेरे बाल लंबे थे और दाढ़ी मूछ भी थी, तो महीम ने मुझसे पूछा कि आप करेंगे सर, आप उस रोल के लिए अच्छे जचते हैं? तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं अभी, और मैं डायरेक्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, तो किसी और को ले लो। और मेरे पास तब शायद वक्त भी नहीं था। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, एक ही एपिसोड करना है, तो आप एक एपिसोड प्लीज कर लीजिए, एक एपिसोड में वो कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कि बहुत हाना हाना करते हुए, और क्योंकि महीम दोस्त था और उस यूनिट के बहुत सारे लोग पहले से जानते थे मुझे, जैसे मामिक के साथ भी पहले काम कर चुका था एक फिल्म में। तो उन्होंने फिर मैंने कहा ठीक है एक एपिसोड करता हूँ मैं। तो एक एपिसोड मैंने किया और उस कैरेक्टर का नाम कोयता था। तो वो कैरेक्टर मेरे ख्याल से जो क्रिएटिव एड्स थे उनको वो थोड़ा सा ठीक लगा, तो उन्होंने एपिसोड्स फिर बढ़ाने शुरू किए। और फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर अभी आप कंटिन्यूटी में फंस गए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो आप वो प्लीज थोड़े एपिसोड्स के लिए कंटिन्यू कीजिए। तो फिर मैंने वो मुझे नहीं करना था, फिर भी मैं इस तरह से अंदर उसके फंस गया, और फिर वो कैरेक्टर कुछ एपिसोड तक चला और काफी फेमस भी हुआ। मैं जहाँ रहता था आजू बाजू के लोग सब मुझे उसी कोयता के नाम से ही जानते थे काफी सालों तक। तो ये था मेरा मेरा उसमें शुरुआत ऐसे हुई थी। ओके सर, तो हम लोगों का अगला सवाल ये है, आपकी शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था विद मामिक सर, सोनाली मैम और के गोस्वामी सर के साथ? सब बहुत अच्छे थे। के तो के को भी मैं बहुत पहले से ही जानता था। के गोस्वामी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने आए थे तो मैं कुंदन शाह के साथ असिस्टेंट था, और हमारी एक फिल्म में मैंने उन्हें तब मैं कास्टिंग डायरेक्टर था, तो हमारी एक फिल्म में मैंने उन्हें एक मौका दिया था सॉन्ग में, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे। तो एक गाने में उन्हें मौका दिया था और गाने में उन्होंने काम भी किया था, तो मैं उनको उस तरह से जानता था। उसके बाद बातचीत होती थी काफी, काम पहली बार उनके साथ वहां गया। मामिक को भी जानता था क्योंकि एक फिल्म थी क्या कहना मैं, उसमें प्रीति जिंटा के भाई मामिक बने थे, उस फिल्म में भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। जी, तो सब लोगों के साथ और महीम को भी जानता था। महीम हमारे ड्रामा ग्रुप में था, मैं मिठी भाई कॉलेज में ड्रामा डायरेक्टर था, तो महीम हमारे ग्रुप में एक्टर था, तो सारी टीम को मैं पहले से ही जानता था। और सोनाली जी भी मुझे अभी थोड़ा सा याद है कि वो ग्लेन अंकुश के सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया था, उसमें भी उन्होंने मेरे साथ काफी काम किया था, तो उनके साथ भी जान पहचान पहले से ही थी। तो सारी टीम जो थी वो ऑलरेडी पहले हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे, तो इसलिए काम करने में बहुत मजा आया। ओके। तो सर, इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, सर, कोई अच्छी यादें, कोई मेमोरेबल इंसिडेंट, कोई है के वक्त जो आपको आज भी याद है, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक तो याद मुझे है उस समय, मतलब जो बात तब मेरे दिल को बहुत लगी थी, कि हमारा एक शॉट था जिसमें एक बाज होता है ना, जो पंछी होता है, तो वो बाज शायद मामी के हाथ पर आकर बैठता है और वो फिर उड़ जाता है, कुछ मैसेज देके उड़ जाता है, ऐसा कोई शॉट था। तो उस समय ये एनिमल सेंसिटिविटी या बर्ड सेंसिटिविटी इतनी थी नहीं, तो वो जो बाज वाले थे वो क्या करते थे, उस बाज के पाँव को रस्सी बांधते थे छोटी सी और फिर उसको उड़ाते थे, और फिर क्योंकि वो रस्सी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी
तो बेचारा बाज जो रहता था, बाज या चील था पता नहीं एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा उड़कर नीचे गिर जाता। तो उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था कि अरे ये क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। पर तभी हम लोग के पास वो कॉन्सेप्ट VFX वगैरह कुछ था नहीं, और वो कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अब शॉट लेना है वो तो लेना ही है। तो उस बार थोड़ा सा मुझे दुख हुआ था, और खुशी की बात एपिसोड्स की ये थी कि वो जो कोयता कैरेक्टर था वो बहुत फेमस हो गया था। यस तो मामिक और हमारे दोनों के सीन्स में वो बहुत मजा आता था। तो सेट पर मुझे मेरे नाम से कोई बुलाता ही नहीं था, सब ओके कोयता कोयता करता था, और जहां भी जाते थे कोयता कोयता, मतलब यूनिट वाले तो कोयता कोयता बोलते ही थे, सड़क पर भी जहां भी जाता था कोयता कोयता करके कहते थे। तो वो काफी, तभी ऐसे लगता था कि ये कैरेक्टर कितना फेमस है और कितना पॉपुलर हुआ है, और उस कैरेक्टर की वजह से लोग मुझे भी जानने लग गए थे, और मेरे एक्टिंग को भी सब लोग वो सराहना करते थे उसकी। और जब जब फर्स्ट एपिसोड खत्म होने के बाद जब उन्होंने उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि सर आपको और आगे आना पड़ेगा, तो मैंने पूछा कि क्यों आना पड़ेगा, अपना तो एक एपिसोड का वो डील था वो खत्म हो गया, और एक एपिसोड में वैसे कहानी खत्म भी हो गई थी कि वो मुझे शायद जेल में पकड़ के ले जाते, ऐसा कुछ खत्म हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, वो कैरेक्टर देखकर चैनल वालों को इतना अच्छा लगा है कि वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो तब मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि चलो मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो काम किया था वो लोगों को बहुत पसंद आ गया था। तो ये ऐसी कुछ यादें उससे जुड़ी हुई है। और वो डायरेक्टर थे राजेश रणसिंघे, तब डायरेक्ट करते थे, ओके अलग अलग लोगों ने अलग अलग एपिसोड किए, पर मेरा जो काम था वो राजेश रणसिंघे जी ने ज्यादा डायरेक्ट किया। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो झाड़ियों जंगलों में शूटिंग चलती रहती थी, तो दो तीन बार वो मेरी धोती मुझे बांधी गई थी, तो धोती बांधना मुझे आता था, पर क्या होता था वो झाड़ियों जंगल में भागते भागते वो धोती बार बार यहाँ वहां अटक जाती थी और बार बार छूटती थी। तो कभी कभी वो शॉर्ट उसके वजह से कट भी हो जाता था, क्योंकि हम अच्छा लोगों को शहर वालों को धोती पहनकर घूमने की उतनी आदत नहीं होती है, और वो भी झाड़ियों में। तो वो भी एक मजेदार दो तीन किस्से हुए कि मेरी धोती जो थी वो झाड़ी में अटक गई, और सब लोग आगे दौड़ रहे और मैं पीछे रह गया, और सब लोगों को पता नहीं था क्या हो गया। तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि सर वो धोती अटक गई और छूट गई है, इसलिए मैं भाग नहीं पाया करके। तो ऐसी कुछ चीजें अच्छी मजेदार थी उस समय की। जी, तो हम लोगों का अगला सवाल ये है, आपने 90s के ब्लॉकबस्टर यस बॉस में एसआर के और जूही चावला के साथ काम किए हैं, तो सर कैसी थी वो शूटिंग एक्सपीरियंस? वो शूटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। ओके उस मतलब ताज्जुब की बात ये थी कि उस शॉट में मैं डायरेक्टर था और जूही चावला एक्ट्रेस थी, और शाहरुख खान जो था उनको लेकर आता है और एड फिल्म में मेरे साथ काम करने के लिए उनको बोलता है। तो उसमें काम करके मजा इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे वैसे मुझे डायरेक्टर बनना ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में डायरेक्टर बनने से पहले मैं फिल्म के शॉर्ट में डायरेक्टर बन गया। और तब मैं इनके साथ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था तभी, जी और अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, इनके अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, सुधीर मिश्रा और मंजुल सिन्हा, इन पांचों ने एक कंपनी बनाई थी। तो उस कंपनी के लिए मैं एज ए असिस्टेंट प्रोडक्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। तो वो काम भी मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मेरे लंबे बाल थे और मेरी दाढ़ी वगैरह थोड़ी सी एड फिल्म डायरेक्टर जैसी थी। तो जनरली जितना भी काम मैंने किया है वो लोगों ने मुझे इसलिए दिया था क्योंकि मैं वैसे दिखता हूँ, उस कैरेक्टर के जैसे दिखता हूँ। और फिर जब काम करता था तब उन्हें पता चलता था कि अरे अच्छा ये एक्टिंग भी करता है। वैसे मैं एक और किस्सा बताऊँ आपको। जी, वो एक एड फिल्म बहुत फेमस हुई थी, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स, अंकल चिप्स वो प्रोडक्ट था ओके जिसको वो अपने बहुत राकेश ओम प्रकाश शर्मा जो है ना बहुत बड़े डायरेक्टर, जी तो बहुत शुरुआत में उन्होंने की थी। तब भी उन्होंने
मुझे मतलब वो ढूंढते ढूंढते आए थे कि वो लंबे बाल वाला लड़का कहाँ है, लंबे बाल वाला दैट्स लड़का अमेजिंग. कहाँ है। हाँ, और उन्होंने वो 10 जगह पर घूमकर उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया, और मैंने तब भी उनको कहा था कि सर मैं एक्टिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन का ही काम है, और राकेश ओम प्रकाश जी एड फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तब उन्होंने फिल्म नहीं की थी, तो उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वहां पर भी गया था। तो फिर जब उन्होंने मेरा काम देखा, और उसमें मुझे मृदंग बजाना था, तो जब उन्होंने मुझे मेरे एक्सप्रेशंस वगैरह देखे तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने पूछा मुझे कि आप मृदंग बजाते हो क्या। मैंने कहा नहीं सर, सिर्फ कॉलेज में थिएटर करता था तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। और उन्होंने मुझे वो फिल्म वो करके एक सीरियल आता था बहुत पहले, जी, जी टीवी पे. वो जो हाँ हाँ जी टीवी पे, जिसमें जिससे को ग्लेन अंकुश ने डायरेक्ट किया था, या तो वो सीरियल के वजह से उन्होंने ढूंढ के निकाला मुझे कि वो लंबे बाल वाला लड़का वो सीरियल में जो है उसको ही लेके आओ करके। तो ऐसे लुक्स के वजह से ही मुझे ज्यादातर काम मिला है, मतलब किसी ने मुझे अच्छा एक्टर है इसलिए कभी रोल नहीं दिया। वो तो उनको बाद में पता चला, रहा एक्टिंग भी कर लेता है ये लड़का। यू आर अमेजिंग एज क्वेता सर. आई नो, थैंक यू वेरी मच। या तो इट जस्ट हैपेंड, लाइक देयर वाज नथिंग, नो प्लानिंग और नथिंग लाइक दैट। आई विल टेल यू वन सिंपल ट्रिक व्हिच आई डिड इन दैट। आई ट्राइड टू स्लाइटली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम कन्हैया लाल ऑफ द फिल्म मदर इंडिया। ओके. ओके, सो ही यूज्ड टू वेयर दैट धोती एंड ही हैड दैट लिटिल बो लेग्ड वॉक एंड ही हैड अ टिपिकल वे ऑफ सेइंग दैट भोजपुरी लैंग्वेज। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिड द सेम कैरेक्टर, सेम काइंड ऑफ स्टाइल, बट विद अ लिटिल मेनेसिंग एंड लिटिल मैचोइज्म इन टू इट। सो दैट वॉज वॉट आई डिड फॉर कविता एंड इट वर्क वेरी वेल, गॉड ब्लेस। सो सर, हम लोगों का अगला सवाल है, हाँ आपके जी, अपकमिंग फिल्म प्रतीक्षा के बारे में कुछ बताइए. प्रतिछाया, प्रतिछाया की भी थोड़ी सी कहानी मेरे साथ वही है कि मेरी कहानियां जरा लंबी होती है। जी प्रतिछाया मैंने दरअसल अगाथा क्रिस्टी का एक एकांक ही है, वन एक्ट प्ले है, ओके ओके. एकांक होता है ना वैसे। हाँ तो कॉलेज खत्म हुआ था तो मैं एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ, मतलब उन्हें एक्टिंग सिखाता हूँ और उनको ट्रेनिंग देके उन्हें फिल्म में या सीरियल में काम करने के लायक, मतलब थोड़ा सा वो उनको प्रैक्टिस कराता हूँ, गाइडेंस देता हूँ। जी तो एक तभी जब मैं वर्कशॉप करता था, कॉलेज खत्म हो गया था, वर्कशॉप मैंने शुरू किया था, तो एचआर कॉलेज में मैंने वर्कशॉप किया था, एक्टिंग वर्कशॉप, थिएटर ओके. वर्कशॉप। तो उसमें साइरस दस्तूर नाम का एक लड़का मुझे मिला, और साइरस दस्तूर बहुत एंथुसियास्टिक था, तो उसने मुझे कहा कि सर आप मेरे साथ कोई एक ड्रामा कीजिए, वन एक्ट प्ले। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अगाथा क्रिस्टी का एक नाटक था, रैट्स करके, द रैट्स, तो वो प्ले मैंने साइरस दस्तूर, श्वेता केसवानी, सीमा खिंची और एक दो और कैरेक्टर्स थे, सगीर अहमद चौधरी भी उसमें थे उस इवेंट में, तो उनके साथ मैंने वो वन एक्ट प्ले किया था। तो उस वन एक्ट प्ले में होता क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला कपल एक कमरे में आता है, और वो अपने मतलब अपना रोमांस करता रहता है, तब उन्हें पता चलता है कि कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो ढूंढते तो पता चलता है कि जो कपल है उसकी जो उसमें जो लेडी है उसके हस्बैंड का मर्डर उस कमरे में हुआ है और उसकी लाश वहां पर है। तो अगाथा क्रिस्टी के ड्रामा में उन्होंने ऐसे लिखा है कि वो दोनों घबरा जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा एक दूसरे पर हो जाते और एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं कि ये तूने मारा है, तेरी वजह से मौत हुई है, तूने गलती की है, ये गलती है, वो है, फलाना ढिमकाना। तब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अरे अपने किसी रिश्तेदार की लाश देखने के बाद दुख नहीं हो रहा है इन कैरेक्टर्स को, उनको और कुछ नहीं महसूस हो रहा है, उनको एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है और अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं वो बाहर निकाल रहे हैं। जी तो ये कैरेक्टर ऐसे क्यों हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके जिंदगी के साथ हुआ होगा। तो जब वो प्ले खत्म हो गया तब मेरे मन में वो थॉट था, फिर मैंने और मेरे एक दोस्त है शैलेंद्र सालवे, मैंने उनके साथ ये थॉट डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हमने फिर उसको डेवलप करते 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 वो अगाथा क्रिस्टी का जो वन एक्ट प्ले है, जो शायद 25-30 मिनट्स का है,
उसकी हमने बैक स्टोरी बनाई कि जो औरत है जो अपने हस्बैंड की लाश देख के रोती नहीं है, शॉक भी नहीं होती है, गुस्सा हो जाती है और अपने जो जिसके साथ अफेयर है अपने लवर के साथ झगड़ा करती है, तो वो इमोशनल या मेंटल स्टेट में आने के लिए उसके जिंदगी के साथ पहले क्या-क्या हुआ होगा, तो उस थियोरी को लेके हमने पूरा स्क्रीन प्ले डेवलप किया और वो फिल्म शूट की। वो फिल्म शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह हो गया है। अब आशा करते हैं कि थोड़ा सा ये माहौल ठीक हो जाए और फिर उसके रिलीज की तैयारी हो जाए। उसमें एक्टर्स श्रेयस त्रिपदी हैं, राहुल दे, हाँ जी मकरंद देश हाँ पांडे, और दो तीन फॉरेन के ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स हैं वो भी है, एक टर्किश एक्ट्रेस है। अच्छा कास्टिंग अच्छी है उसकी। सर, हम लोग का अगला सवाल है, हाँ अगर जी, कोई का एक नया सीजन बने तो क्या आप कोयता का कैरेक्टर फिर से करना चाहेंगे? करूंगा पर सिर्फ एक या दो एपिसोड के लिए, बस ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि तो दो एपिसोड के लिए एज एन एक्टर मैं एंजॉय कर सकता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा एनर्जी उतनी इंटेंस रहती रह नहीं पाती है। सर, आपने मामिक सर के साथ वो क्या कहना और कोई है जैसे सीरियल में काम किए हैं, तो उनके साथ आपके बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताइए। मामिक मामिक को हम लोग ग्रीक गॉड मानते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी इतनी उम्दा थी, इतनी खूबसूरत थी कि ऐसे लगता था कि जैसे वो ग्रीक माइथोलॉजीज के उसमें कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे शेक्सपियर हो, ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हो, घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं उनके, अच्छा बॉडी होता है और आवाज अच्छी होती है, चाल में एक डील डॉल होता है। तो वो बहुत जब शुरू किया था तो ऐसे लगता था कि ही इज सच अ हैंडसम एक्टर, और फिर उनकी वो फिल्म भी आई थी आमिर खान के साथ, उसका तो जिसमें वो साइकिल रेस वगैरह होती जो है, तो जीता उसमें वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर, तो उसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि ये बंदा बहुत सीरियस एक्टर होगा, पर जब पहली बार क्या कहना में एक्टिंग की तो पता चला वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही मस्ती करने वाले एक्टर थे। जब भी शूटिंग नहीं होती थी तो किसी ना किसी के साथ मस्ती मजाक, इसकी छेड़ करो उसकी छेड़ करो, ऐसे चलते रहता था उनका। और बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्हें वो याद रहता था कि इनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और बातचीत में पता लगाते थे कि क्या इंस्पिरेशन है वगैरह। तो मामिक जी के साथ मैं एक्टिंग तो बहुत की, फिर उन्होंने खुद का एक प्रोडक्शन शुरू किया था, तब उन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी बुलाया था, मैंने उनके स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हेल्प की, काफी वो किया, डेवलपमेंट वगैरह की। तो फर्स्ट एंड सबसे जरूरी चीज है कि ही इज अ वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी। दूसरी बात यह है कि बहुत ही मिलनसार, फ्रेंडली है और अच्छे एक्टर भी है, मेहनत भी बहुत अच्छी करती है। क्या कहना मैं, उन्होंने जो प्रीति जिंटा के भाई का कैरेक्टर किया था वो इतना बढ़िया किया था, इतना बढ़िया किया था, मुझे लगा कि मतलब ऐसा कैरेक्टर उस समय पर कोई एक्टर कर नहीं पाया पाता। इतनी डेप्थ थी उनके पास, पर्सनालिटी के साथ डेप्थ भी थी ना। एक तो होता है कि पर्सनालिटी सिर्फ है, डेप्थ नहीं है, पर उनके उस किरदार में डेप्थ भी थी और बहुत मजा आ गया था उनके साथ तब काम करने में। और उसके बाद जब एक्टिंग करते थे तो मतलब शॉर्ट तो होता ही था और उसके अलावा मस्ती ही बहुत होती थी, मजाक मस्ती यही सब बहुत चलता था हमारा सेट पर। आउटडोर भी शूटिंग होती थी ना, तो वहां भी जाते थे तो मजाक मस्ती और टाइम पास ही चलता था। तो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। तो सर, आपको क्या लगता है कि इंडियन टेलीविजन में हॉरर का करंट सिनेरियो क्या है उस वक्त और इस वक्त का? सच बोलूं, बहुत सी चीजें इंडियन टेलीविजन सिनेरियो में हम लोग इक्वल नहीं कर पाए हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो जैसे मैं कह रहा हूँ वो एक नया दौर था, उसमें जो सीरियल्स थी उसका कंटेंट तो अच्छा था ही था, पर जो
उसका फिल्मिंग था, मेक जो जिस तरह से उसको बनाया गया था, जिस तरह से उसको दर्शाया जाता था, जितने इंटीग्रिटी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन वैल्यू उसमें होता था, वो हम लोग इक्वल भी नहीं कर पा रहे। सरपास करने की तो बात बहुत दूर है, हम लोग उसको इक्वल मतलब वहां तक पहुंच भी नहीं रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी 2020 में आज भी अच्छे अच्छे लोग ये कहते कि वो जैसा टेक्निकली सुप्रीम सीरियल वो जो था उस आज तक हुआ नहीं है इंडस्ट्री में। उसके बाद शिव कोई के जो कैरेक्टर्स हैं उसको लोग आज भी याद करते, मतलब बहुत बहुत सारे लोग मुझे आज भी उसी नाम से बुलाते हैं। और मैं जब कहीं बाहर मैं अभी मतलब जब तब जैसे दिखता था वैसे अब नहीं दिखता हूँ, मेरी पर्सनालिटी में बदल भी गया हूँ, पर लोग मुझे आज भी उन सीरियल्स को याद करके पहचानते और मुझे बोलते कि अरे वो आप कोई था, या तो बोलेंगे वो आप वो में जो पागल बने थे वो है। और मुझे हैरानी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद को अभी उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ। शायद मेरे माँ बाप भी अगर मुझे देखे तो उस अवतार में तो नहीं पहचानेंगे, पर ये कोई स्ट्रेंजर आदमी है जो मुझे भीड़ में कहीं से ढूंढ के कहता है कि आप उन सीरियल में आप काम करते हो। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स ने इतना मेहनत उस कैरेक्टर के ऊपर किया था, राइटर ने, डायरेक्टर ने, कि वो कैरेक्टर और मेरा दोनों सीरियल में बहुत ही छोटा कैरेक्टर था। आई वॉज नॉट इन द मेन लीड, आई वॉज इन वेरी स्मॉल, आई वॉज एक्चुअली एन एपिसोडिक कैरेक्टर इन ऑन मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, बट द डायरेक्टर्स वर्क ऑन दैट स्मॉल कैरेक्टर ऑल्सो। इतना उन्होंने काम किया कि लोग आज भी उन कैरेक्टर्स को याद रखते हैं। मुझे बताइए, आज हम जो सीरियल्स, हॉरर सीरियल्स देखते हैं, वो उसमें उतनी डेप्थ, उतनी सिंसियरिटी और उतना आर्ट दिखता नहीं है। और अगर मुझे आज ऐसे आज भी लगता है कि अगर आज के तारीख में, इस दौर में, अगर कोई डायरेक्टर या राइटर एक अच्छा उम्दा हॉरर और जेन्युइन हॉरर सीरियल अगर लेकर आता है तो लोग आज भी उसको उतना ही अच्छे से, प्यार से देखेंगे और उसको याद रखेंगे। जी सर, क्योंकि सब चाहते हैं क्या? कि कोई है का एक नया सीजन बने फिर से, पुराने जो एक्टर्स थे उनके हाँ, साथ, अभी भी उनके फैंस साथ चाहते हैं। हाँ बनना जरूर बनना चाहिए। और इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसके इक्वल करने वाला कोई सीरियल आसपास हमें दिख नहीं रहा है। मैं बहुत बार मैं यही कहता हूँ कि पुरानी चीजें रिपीट नहीं करनी चाहिए, पर पुरानी चीजों को सरपास करने के लिए नए डायरेक्टर्स और नए राइटर्स को आकर अपना कुछ एक नया इंडस्ट्री को देना चाहिए। वैसा अगर नहीं हो रहा है तो इंस्पिरेशन के लिए फिर पुरानी चीजों को वापस ले आना चाहिए। मतलब आप इमेजिन कीजिए ना, अभी कोविता को कितने साल हुए होंगे, It's been almost 15 years more than that. 15 Yeah. years now, after 15 years I am now almost in 50s, Okay. लोग मुझे आज भी उस कैरेक्टर से याद रखते हैं। इसका मतलब है वो वाकई वो सीरियल लोगों ने बहुत क्या कहते हैं सिंसियरिटी के साथ देखा Absolutely, sir. था, फ्लीटिंग मोमेंट्स में नहीं देखा था कि चलो भाग गया है तो उनको याद नहीं रहेगा, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था और उनको वो सारी चीजें आज भी याद है। और वो सब लोग चाहते हैं कि मतलब कल परसों ही मेरी किसी से बात हुई थी, नया एक्टर है, वो कह रहा था कि सर उस टाइम के जैसे अभी भी कुछ हो नहीं रहा है, वैसे हम लोग करें क्या। उसने मुझे पूछा कि सर हम लोग मिलकर वैसा कुछ करते हैं क्या, तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आना जरूर चाहिए, जो आपका सवाल है उसका जवाब यही कि रिपीट जरूर होना चाहिए और उतनी ही सिंसियरिटी के साथ होना चाहिए और उतने ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। तो सर, आपने थिएटर्स के लिए बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि थिएटर्स का आज भी इतना पॉपुलैरिटी ऑडियंस में क्यों है? उसका एक सीधा एक रीजन वो है, थिएटर जो होता है वो एक जिंदा मनोरंजन है, इट इज जी अ लाइव एंटरटेनमेंट। जी लाइव एंटरटेनमेंट में होता क्या है कि जो ऑडियंस जो होता है वो भी उस इवेंट का, उस ड्रामा का, उस शो का पार्ट होता है। फिल्मों में क्या होता है कि फिल्म अलग चलती है, ऑडियंस इमोशनली इन्वॉल्व होता है, पर ऑडियंस अपने आप को थोड़ा सा एलियनेटेड फॉर्म महसूस करता है। थिएटर में ऑडियंस इज पार्ट ऑफ दैट शो, जैसा ऑडियंस ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा वैसा वो प्ले होता है।
तो ये जो एक्सपीरियंस ऑडियंस को या ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए होता है ना, कि पार्टिसिपेशन इन एन इवेंट, नॉट अ पैसिव पार्टी, मतलब दूर रहकर पार्टिसिपेशन नहीं, उसके अंदर शामिल होना। वो शामिल होने के लिए थिएटर ये चलता ही रहेगा। शायद देखिए, मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजी बदल गई तो शायद फिल्मों का फॉर्म बदल सकता है, टेलीविजन का फॉर्म बदल सकता है, मोबाइल से और कहीं जा सकता है, पर जो लाइव एक्सपीरियंस है थिएटर का, वो तो जब तक इंसान है तब तक थिएटर चलेगा ही चलेगा। तो सर, एक आखिरी सवाल, आपके हाँ जी, हाँ जी, जितने फैंस हैं और जो भी यंगस्टर्स हैं, उन सभी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज वही दूंगा कि कोयता के जैसा मत बनो, अच्छा अच्छा इंसान बनो और मामिक के जैसे बनो। कोयता जनरली होता क्या कि नेगेटिव कैरेक्टर्स होता है तो लोग थोड़ा सा फॉलो करते, तो कोयता ये एक तरह से बुराई को मदद करने वाले का प्रतीक है, कि कोयता हमेशा बुराई की मदद करता है। वो एक्चुअली खुद बुरा नहीं है, पर वो बुरी शक्तियों को मदद करता है। तो ऐसे बुरी शक्तियों को मदद करने वालों को सपोर्ट ना करे, पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट करे और पॉजिटिव चीजें फॉलो करे। और मैं आर्टिस्टों को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो क्रिएटिव लोग हैं, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स, कि नई नई चीजें बनाने की कोशिश करो, नए नए कैरेक्टर्स, नया नया नाम, और उसके ऊपर मेहनत करो। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में हर डायरेक्टर को, हर राइटर को, हर एक्टर को एक काम ऐसा करना चाहिए जो लोगों के दिलों में याद रहे। आप 1000 काम करके कुछ नहीं हासिल करोगे, पर अगर आपने एक अच्छा काम किया जो ओरिजिनल है, तो लोग आपको उम्र भर के लिए याद रखेंगे। तो सब कलाकार को यही कोशिश करनी चाहिए। So दैट वॉज ऑल. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, बिकॉज थैंक यू वेरी वी मच, वर थैंक यू किड्स वेरी वेन द मच। शो वॉज रनिंग ऑन स्टार प्लस. तो दोस्तों, ये थी मुकेश यादव जी के साथ इंटरव्यू. मिलते हैं आपसे अपकमिंग वीडियोस पे. बाय.